आज का जो हमारा वेबिनार का टॉपिक है वो है क्रिएटिंग ग्राफिक्स एंड एनिमेशन बाय यूजिंग ऑटोडेस्क स्केचबुक। व्हाट वी लर्न टुडे, आज हम क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटोडेस्क स्केचबुक के बारे में जानेंगे, उसको कैसे डाउनलोड किया जाता है, उसके बाद उसको कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है, फिर हम उसके टूल्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे और लास्ट में फ्लिप बुक एनिमेशन के बारे में जानेंगे कि उसका निर्माण कैसे होता है। व्हाट इज ऑटोडेस्क स्केचबुक? ऑटोडेस्क स्केचबुक आखिर क्या है? यह एक ड्राइंग और पेंटिंग सॉफ्टवेयर टूल है जिसकी सहायता से डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, अध्यापक तथा विद्यार्थी आदि को शानदार चित्र बनाने की सुविधा देता है। इस टूल का प्रयोग करके वे अपने काल्पनिक विचारों को चित्र के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। इसका सुंदर इंटरफेस और ड्राइंग टूल्स किसी भी प्रकार के डिज़ाइन को बनाने के लिए आदर्श है और इसके साथ आप स्केचबुक में फ्लिप बुक ग्राफिक एनिमेशन भी बना सकते हैं। इन एनिमेशन का प्रयोग ई कंटेंट तथा व्यापारिक कार्यों में हो सकता है। ऑटोडेस्क स्केचबुक का प्रयोग करके हम कई सारे ग्राफिक डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है ड्राइंग का, हम इसमें स्केच भी बना सकते हैं, कार्टून्स बना सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, इंजीनियर ग्राफिकल डिज़ाइन बनाया जा सकता है, ग्राफिक डिज़ाइन किया जा सकता है, सीनरी बनाई जा सकती है और मोबाइल ऐप में भी हम कई प्रकार के स्केच इसमें कर सकते हैं। इसके साथ फ्लिप बुक एनिमेशन का प्रयोग करके हम इसमें अपनी इमेज को एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे इसमें वेलकनो में हमने एनिमेशन दिया है तो इसका भी निर्माण हम ऑटोडेस्क स्केचबुक में कर सकते हैं। ऑटोडेस्क स्केचबुक सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर में ठीक प्रकार से रन कराने के लिए आपका कंप्यूटर 64 बिट्स का होना आवश्यक है। इसके साथ ही 4GB रैम और ग्राफिक कार्ड होगा तो यह बहुत अच्छे ढंग से कार्य करता है। इसके साथ इसको आप मोबाइल ऐप में भी यूज़ कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप इसमें डिजिटल पेन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑटोडेस्क स्केचबुक को गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसका यहाँ पे एड्रेस दिखाई देगा और ये इसका आइकन है पेंसिल की नोक की तरह। इसे क्लिक करने के बाद आपको इसका वेब पेज दिखाई देगा जिसमें ये सॉफ्टवेयर फ्री है। आप इसमें डाउनलोड ऑप्शन को क्लिक करिए तो आपको ये exe फाइल डाउनलोड होती हुई यहाँ पे दिखाई देगी जो आपके डाउनलोड फोल्डर पे सेव हो जाएगी। ये इसको क्लिक करने पर आपको रन का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको रन को क्लिक करना है, फिर उसके बाद और सेटअप exe को यस करना है, फिर आप लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करिए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे जाइए, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल, फिर फिनिश्ड और लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका आइकन दिखाई दे रहा और इसको डन पे क्लिक करिए। इसे क्लिक करते आप देखेंगे कि आपके डेस्कटॉप पे एक पेंसिल की तरह आइकन दिखाई देगा, इसी को स्केचबुक कहते हैं। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो इसका सबसे पहले इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसको टूल बार कहते हैं, इसमें बहुत सारे कमांड्स हैं और इसका हम बाद में अध्ययन करेंगे और ये लैगून है जिसको शॉर्टकट कमांड्स बोला जाता है। ये ब्रूस लाइब्रेरी है जिसमें तरह तरह के ब्रूस हैं। ये कलर ब्रूस बुक है जिससे आप कलर को कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से कलर को चुन सकते हैं। ये कलर एडिटर टूल है जिससे आप विभिन्न प्रकार के कलर ले सकते हैं।
कॉपिक लाइब्रेरी जिसमें कलर्स के बहुत सारे शेड हैं, और ये लेयर्स जिसमें अलग अलग पिक्चर्स को हम अलग अलग लेयर में बना सकते हैं। इसके बाद ब्रूस लाइब्रेरीज की प्रॉपर्टीज हैं। स्केचबुक में काम करने से पहले हम सबसे पहले क्विक टूर के माध्यम से ये देख लेते हैं कि कौन सा टूल से क्या क्या कार्य हो सकता है। इसमें आपको दिख रहा है ये ब्रूस बुक बोलते हैं इसको, इसमें दो व्हील आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें हम कलर चूज कर सकते हैं और एक में ऑपोसिटी कलर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद कलर व्हील जिससे हम किसी भी प्रकार का कलर ले सकते हैं। उसके बाद लैगून जिसमें हम कोई भी अपने शॉर्टकट बना सकते हैं और इसे शॉर्टकट ले सकते हैं, जैसे कलर्स के हों या एडिट ऑप्शन हो। इसके बाद सेमेंट्री टूल जिसमें हम एक तरफ इमेज बनाएंगे तो दूसरी तरफ हमारी इमेज अपने आप बनती चले जाएगी। इसके बाद गाइड्स जिसको एक्लिप्स टूल्स भी कहा जाता है, इसकी सहायता से हम मोटरसाइकिल कार किसी भी प्रकार के इंजीनियरिकल जो हमारे डिज़ाइन होते हैं उसे बनाने में हमें इससे सुविधा प्राप्त होती है। इसके बाद है ब्रश मैनेजमेंट जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कलर के ब्रश के ऑप्शन है जिसको हम अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। इसमें हम डिजिटल पेन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है ग्रेडियंट फिल जिसमें हम किसी भी डिज़ाइन में कलर शेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिस्टॉर्ट जिसमें हम किसी भी इमेज को किसी भी एंगल पे मोड़ सकते हैं, उसको 3D भी बना सकते हैं। इसके बाद आता है फ्लिप बुक एनिमेशन जिसमें हम किसी भी इमेज को एनिमेशन दे सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक खिलाड़ी बास्केटबॉल खेल रहा है। इसके बाद आता है पर्सपेक्टिव टूल्स जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के स्केच को डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग आदि। ऑटोडेस्क स्केच बुक में एनिमेशन कैसे बनता है उसका हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक इमेज की आवश्यकता होगी, तो हम एक इमेज बनाएंगे। तो हम कैनवास का साइज ले लेते हैं जहाँ पे हमें इमेज बनानी है। तो विड्थ डिफ़ॉल्ट इसमें 1366 दे रखी है, हम उसको 900 ले लेते हैं। विड्थ को और हाइट को हम अपने हिसाब से 500 ले लेते हैं। तो ये कैनवास का एरिया हो गया, इससे हमें पता लग गया कि हम यहाँ पे इमेज बनाएंगे। अब हम सबसे पहले इमेज के लिए एक बैकग्राउंड बनाते हैं। डिफ़ॉल्ट वाइट होता है बैकग्राउंड, तो हम इसको लाइट स्काई कलर दे सकते हैं। यहाँ से हमने लाइट स्काई कलर दे दिया। अब हम चाहते कि हमारा बैकग्राउंड इस तरह हो कि ऊपर थोड़ा ब्लैक हो जिसमें स्टार भी दिखाई दें, तो उसके लिए हमें फ्लड फिल में जाएंगे और लीनियर फिल को सिलेक्ट करें। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह ये सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट कलर हो रखा है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे लाइट ब्लू ले लेंगे, ये हमने लाइट ब्लू ले लिया, और हम इसको रोटेट कर देंगे ऊपर की तरफ और इसको डाउन की तरफ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छा एक इमेज बन गया है, स्काई ब्लू विद ब्लैक शेडो आ गया ऊपर हल्का सा, ऐसे हम इसको ले जा सकते। अब हम यहाँ पे स्टार बनाएंगे, तो स्टार के लिए हमें ब्रूस लाइब्रेरी से स्टार की कोई
बहुत सारे ब्रश हैं, हम इसमें से कोई स्टार बनाने के लिए फिगर ले लेते हैं। तो हमने शेप ले ली स्टार शेप, इसको हम बंद करेंगे। और स्टार का कलर वाइट होता है तो हम वाइट कलर ले लेंगे यहाँ से। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये स्टार बन रहे हैं। हम इसको ब्रश प्रॉपर्टी में जाके और छोटे स्टार बना सकते हैं और छोटा कर सकते हैं ये। तो बड़े छोटे आप जितने चाहे स्टार इसमें बना सकते हैं, आप देख रहे हैं। और बड़ा स्टार चाहिए तो हम और बड़े ले लेते हैं, एक दो हम बड़े भी ले लेते हैं स्टार। तो ये स्टार हमारे बन गए हैं। तो हमने लेयर वन में स्टार बनाए हैं, तो हम इसको यहाँ पे रीनेम, इसका हम स्टार दे देंगे स्टार। अब हम ज्वालामुखी कैसे फटता है और लावा कैसे निकलता है उसका एनिमेशन बनाएंगे, इरप्शन ऑफ वोल्केनो का। तो उसके लिए हमें एक यहाँ पे एक माउंटेन या पहाड़ बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम अलग लेयर में उसको बनाएंगे। तो उस लेयर का नाम हम यहाँ पे रीनेम करके उसका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं माउंटेन। माउंटेन हमने लिख दिया और ये सेव। अब हम पेंसिल लेंगे और सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं पेंसिल की। तो कलर हम माउंटेन का कलर ब्राउन होता है तो हम इसमें ब्राउन कलर लेंगे। डार्क शेड ले लिया हमने। तो इसकी ब्रश प्रॉपर्टी में हमने देखा पेंसिल का साइज हमने ये लिया है। अब हम यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे। ये हमने माउंटेन ले लिया। अब हम इसको फिल करेंगे। तो सॉलिड फिल हम सेलेक्ट करेंगे। सॉलिड फिल हम इसमें थोड़ा डार्क शेड ले लेते हैं, तो हमने ले लिया और इसको हम क्लिक करेंगे। तो आपने देखा कि एक हमारा माउंटेन बन गया है। अब आप चाहते हैं इसके बहुत सारे लेयर समय बनाने हैं माउंटेन के, तो हम बार बार बनाएंगे तो बहुत समय वेस्ट होगा। हम इसी को डुप्लीकेट कर देंगे यहाँ से। ये डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट करेंगे एक लेयर और बन गए। अब इस लेयर को हम दूसरा कलर करेंगे, एक लेयर इसके पीछे एक ये आगे। इसको हम लाइट कलर कर देते हैं, यहाँ से हम करेंगे तो ये लाइट कलर आ गया। इसको और लाइट करेंगे तो ये आ गया। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो दो माउंटेन बन गए, एक लाइट कलर का और एक डार्क कलर का। तो ये लाइट कलर ऊपर है और डार्क नीचे, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्विक ट्रांसफॉर्म जो टूल है इससे हम उसको मूव करा सकते हैं कहीं भी, ये इस तरह। इसको आप यहाँ से ले जा सकते हैं इधर उधर। तो आपने देखा दो लेयर हो गई। इसको लेयर को हम पहले वाले लेयर से थोड़ा छोटा कर देंगे, ऊपर वाले कमांड से हम इसको ऐसे करेंगे तो ये लेयर बन गई। तो एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई। अब इस लेयर के बाद हमें एक लेयर और चाहिए, तो हम इसी को डुप्लीकेट करेंगे और इस लेयर का कलर फिर हम डार्क दे देंगे। और हमने इसको डार्क कर दिया। अब फिर हम यहां से इस लेयर को बारीक करेंगे
तो ये क्लियर और बन गया। तो आपने देखा कि हमने एक ही माउंटेन की तीन लेयर बना दी, अलग अलग लेयर्स में लिख दिया। तो आपने देखा कि हमारी बैकग्राउंड इमेज बन चुकी है और इस इमेज में हम कोई भी एनिमेशन नहीं देंगे, इसे हमें सेव करना होगा या जेपीजी फाइल में या पीएनजी फाइल में। तो हम फाइल में जाते हैं और इसको सेव एस ऑप्शन को चुनते हैं और आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट हमारा TIFF फाइल्स के नाम से ये आ रहा है, इसको हम जेपीजी या पीएनजी फाइल ले लेते हैं। तो हम पीएनजी लेंगे और वेलकनो इमेज के नाम से हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो हमारी ये फाइल सेव हो गई है। अब हमें अपने इमेज में एनिमेशन बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे न्यू फ्लिपबुक में हम न्यू एम्प्टी फ्लिपबुक का ऑप्शन चुनेंगे। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे, इसमें कई सारी चीज़ें आ गई, ये पिक्सल आ गए हैं इसमें। विड्थ हम वही लेंगे जो हमने पहले इमेज बनाया था, क्योंकि इससे बाहर चले जाएगा अगर हम ये पूरा विड्थ लेंगे, तो इसको हम वही 900 लेंगे और इसको हम 500 लेंगे। और फ्रेम रेट हम 24 ही रहेंगे, इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ फ्रेम्स इस समय 240 है, हम इसको 1000 भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। ओके हमने कर दिया। अब आपने देखा कि हमारी वो इमेज हट गई है। अब यहाँ पर नया इंटरफेस आ गया है, यहाँ आप देख रहे हैं फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर, चार ऑप्शन है इसमें। तो जो एनिमेशन होती है फोरग्राउंड और मिड ग्राउंड में होती है, और जो फाइल हम यहाँ पे लेके आएंगे इमेज की वो आएगी हमारी बैकग्राउंड में। और ये यहाँ पे एनिमेशन टाइमलाइन है, जो हमारा टाइमलाइन में हमारे को ऊपर दिख रहा है 1F, 2F, 3F, ये फ्रेम है हमारे। हमने डिफॉल्ट 240 लिए थे, जिसको हम बढ़ा भी सकते हैं। इन फ्रेमों में एनिमेशन एक एक के बाद हम दे सकते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है इंसर्ट एम्प्टी फ्रेम, जिसमें कोई भी हम ऑप्शन डाल सकते हैं, एम्प्टी फ्रेम में चुन सकते हैं। यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं फ्रेम को, इससे हम फ्रेम को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे लूप है, जिसको ये रिपीट होता है बार बार एनिमेशन, तो इसको हम यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। इससे हम जितना एनिमेशन हम जित फ्रेम में देखना चाहे उसको हम यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं, और ऑल फ्रेम का जो एनिमेशन है इंटायर वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा इंटरफेस है। इसमें अब हम पहले सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज लाएंगे, जिसमें हमें कोई एनिमेशन नहीं देना है जो हमने पहले बनाई है, तो उसको हमें यहाँ पहले सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो वो गलत जगह पे इमेज जा सकती है। तो बैकग्राउंड को हम क्लिक करेंगे, तब हम फिर फाइल में जाएंगे और यहाँ से हम ऑप्शन लेंगे ऐड इमेज, जो हमने पहले बना रखी है। तो ऐड इमेज में जैसे हम क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हैं ये हमने बनाई थी वेलकनो इमेज, इसको हम वापस लाएंगे, इसको करेंगे क्लिक करते, तो हमारी इमेज फाइल इसमें आ गई है। इसमें हम कोई भी बैकग्राउंड नहीं देंगे, जो बैकग्राउंड जो हम एनिमेशन देंगे वो आगे या नई क्रिएट करेंगे यहाँ पर, तो वो एनिमेशन हम फोरग्राउंड या मिड ग्राउंड में करेंगे। अब इसको मिड ग्राउंड को जैसे हम क्लिक करेंगे, अब हम यहाँ पे कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं, ठीक है। हम एनिमेशन डालेंगे, एक लावा हम यहाँ पे बनाएंगे, तो एनिमेशन हम अगर बैकग्राउंड में डालेंगे तो वो चलेगी नहीं, उसे हमें मिड ग्राउंड में लाना होगा। तो मिड ग्राउंड में हम क्लिक करके अब यहाँ पे लावा का निर्माण करेंगे। तो लावा का निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले ब्रूस देखते हैं हम कौन सा इसमें यूज़ करें जिससे चमक आए लावा में। तो यहाँ पे देखो ग्लो दे रखा है, ये ग्लो वाला ब्रूस लेंगे और इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम। तो प्रॉपर्टी में ये वाइट आपको दिखाई दे रहा है, इसे चमक आएगी इसमें वाइट से। तो हम इस समय शुरुआत में थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इसको, आप इससे
कॉपिक लाइब्रेरी से भी कोई कलर ले सकते हैं, जैसे हमने ये लिया, इसमें और शाइनिंग आ रहा है, ये भी आ रहा है, इसमें हट जा रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा या ये होगा, तो हम ये वाला ले लेते हैं। तो इसको हम जैसे यहाँ पे हमारा आ गया, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और अब हम यहाँ पर लावा का निर्माण करेंगे। तो फर्स्ट फ्रेम में हम यहाँ से शुरुआत करते हैं लावा की। तो ये फर्स्ट फ्रेम में हमने यहाँ से शुरुआत करी, फिर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे ऐसे, और यहाँ से आप फ्रेम को आगे बढ़ाते चले जाए। अब ये काफ़ी यहाँ पे मोटा हो रहा है, तो हम इसको यहाँ से हम इसको थोड़ा पतला कर सकते हैं ताकि हमें बनाने में आसानी हो। फिर हम प्लस करते जाएंगे हर फ्रेम में, ये आगे को बढ़ रहा है, फिर ये और आगे को बढ़ेगा, ऐसी यहाँ से भी हम एक बना देते हैं। और आप देख रहे हैं अभी ये थोड़ा इसको और बारीक करने की आवश्यकता है, तो हम इसको और बारीक कर सकते हैं यहाँ से, हम इसको और बारीक करेंगे यहाँ पे ऐसे, और इधर भी बढ़ा सकते हैं और ऊपर को भी निकाल कर सकते हैं, तीनों जगह पे हम एक साथ काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं। तो हर फ्रेम में हम इसको बना रहे हैं यहाँ पे, ये और ये यहाँ से बहता हुआ आ रहा है, ये नीचे तक जा रहा है, इतना बना सकते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा और कर देते हैं, अब हम इसको रन करा के देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो देखिए ये काम कर रहा है, तो आपने देखा कि हमने बनाया था ये फर्स्ट फ्रेम, तो ये काम कर रहा है। इसके बाद 24 फ्रेम, आपको लगता है कि अगर ये फ्रेम हमारा फास्ट है तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, एक कॉपी, दो कॉपी, तीन कॉपी, तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी इसकी। तो आपने देखा कि ये हमने बनाया है और ये 24 फ्रेम तक अभी चल रहा है, यहाँ तक। तो हम 24 पे क्लिक करने के बाद 24 से आगे भी हो सकता है, ये 35 फ्रेम तक इसमें आ चुका है। अब हम आगे इसमें क्लाउड बनाएंगे, क्लाउड धुआं निकलते हुए, तो उसके लिए हम इसमें ब्रश ले लेते हैं कोई भी, तो इसमें हम ब्रश लेते हैं सिंथेटिक पेंट, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये किस प्रकार का ब्रश है, और कलर ब्लैक होगा, तो हमने कलर ले लिया है, और साइज हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये थोड़ा वाइट टाइप का होना चाहिए बादल, ये ले लिया है, और इसका फ्लो भी बढ़ा देते हैं ऐसे, इतना ले लेते हैं। अब हम ये वाला ब्रश चेक करते हैं, दूसरा वाला, इसका ब्रश ये वाला सही रहेगा, और फ्लो इसका है, कलर थोड़ा डार्क ले लेते हैं, ये ठीक।
अब हम यहाँ पे बादल बनाएंगे इस प्रकार घुमा फिरा के बादल, और ये भी फ्रेम के अनुसार आप इसको बनाएंगे, तब वो बादल ऐसा लगेगा कि चल रहे हैं। अगर आप एक ही बारी में सारा ड्रॉ कर देंगे तो उसमें एनिमेशन नहीं आएगी। तो आपने देखा ये बादल बन गया है। एक हम यहाँ पे भी बना देते हैं हल्का सा स्क्रीन यहाँ पे, और यहाँ पे भी बना देते हैं। ये हमने बनाया, आप और अच्छा बना सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा स्पीड से काम कर रहे हैं। आप इसमें शेडो भी डाल सकते हैं, कई सारे ब्रश का इस्तेमाल करके शेडो वाइट करके तो और अच्छा दिखाई देगा। अब जब लावा यहाँ से निकलता है तो कुछ चिंगारियाँ भी निकलती स्पार्कल, तो वो भी हम यहाँ पे बनाते हैं। तो इतना बनाने के बाद अब हम यहाँ पे फिर नया दूसरा ब्रश लेंगे, वही उसी ब्रश को ले लेते हैं ग्लो वाले को। इसकी हम वही कॉपिक लाइब्रेरी से येलो कलर ले लेते हैं शाइनिंग वाला, ये हमने ले लिया। इसकी ब्रश की प्रॉपर्टी हम बारीक ले लेते हैं थोड़ा, और हम इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम इसमें जो चिंगारियां वो बनाएंगे, जैसे एक हमने बनाई, फिर हम फ्रेम आगे बढ़ाते हैं, ये हमने बनाई दूसरी तीसरी इस प्रकार, यहाँ भी बना सकते हैं। आप किसी भी कलर में बना सकते हैं इसको। तो आपने देखा कि हमने ये भी बना दिया। तो अब ये 54 फ्रेम हो गए। हम यहाँ से इसको सारे एनिमेशन को प्ले यहाँ से होगा। अगर कुछ एनिमेशन को पार्ट को हमें देखना है तो यहीं से हम इतना देखेंगे, लेकिन अगर हमें पूरा एनिमेशन एक साथ देखना है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे प्ले ऑल फ्रेम्स, तो उसमें हमें सारा दिखाई देगा। देखिए बादल की चिंगारियाँ निकल रही हैं। उसके बाद लूप है, लूप से हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं ये, और यहाँ पे हम कंट्रोल से भी कर सकते हैं कि हमारा लास्ट फ्रेम कितना था। 57 तक हमने काम किया, ये 54 फ्रेम तक करा, तो हम इसको 50 यहाँ पे हम 54 भी लिख सकते हैं, तो ये उतना ही हमें दिखाएगा 54, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 to 54। इस प्रकार पूरा रिपीट होता जाएगा, और यहाँ से हम उसको लूप से बंद भी कर सकते हैं। अब हमें इसमें लेबल देना है कि ये क्या चीज़ है, इसे क्या बोलते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण से मैं बता देता हूँ लेबल। हमने ये टेक्स्ट को क्लिक करा, तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया इसमें लावा, फ्लो ऑफ लावा, FLOW, फ्लो ऑफ लावा। इसको हम फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके इसको 18 बड़ा भी कर सकते हैं हम। कलर हमने जैसे इसमें इसको येलो कर दिया और ओके कर दिया। अब आपको दिख रहा है येलो कलर का है, क्योंकि यहाँ पे चमकेगा ये तो सही दिखाई देगा। थोड़ा अच्छा बड़ा हो गया फॉन्ट, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, और येलो येलो की जगह पे हम दूसरा कलर ले लेते हैं, वाइट ले लेते हैं।
अब ये आ गया यहाँ पे, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। फ्लॉप लावा हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्लॉप लावा हमने लिखा। इससे आप वही, ये व्हील है, इससे आप इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं इसी से, व्हील से, और रोटेट भी कर सकते हैं। तो इसको एनिमेशन हम देते हैं दो तीन बार, एक दो तीन चार, चार बार हमने एनिमेशन दिया ताकि ये उसके बाद आए स्लो एकदम। 57, अब यहाँ पे हम 57 कर देते हैं। अब हम इसमें ऑल फ्रेम को चलाएंगे, फर्स्ट टू 57, 1 to 57 यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है। तो इसी प्रकार आप किसी भी इमेज को एडोडेक्स स्केच बुक में एनिमेशन दे सकते हैं। अब एनिमेशन बनने के बाद इसको, एनिमेशन को सेव भी करना होता है। तो इसको सेव करने के लिए हम फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट फ्लिपबुक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एक्सपोर्ट फ्लिपबुक पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला विंडो खुलेगी, एक्सपोर्ट एज पीएनजी सीक्वेंस में हम फाइल सेव कर सकते हैं, या पीएसडी में, डब्ल्यूएमवी में, एमपी4 या एनिमेटेड जीआईएफ। तो हम इसमें एमपी4 सबसे बेस्ट होता है, हम इसमें उसको सेव कर लेंगे, वीडियो बन जाएगा इसका एनिमेशन का। और फ्रेम 24 फ्रेम में हमने इससे बनाया, फास्ट है थोड़ा। हम इसको और फास्ट करना है तो 30 फ्रेम में कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा स्लो देखना चाहते हैं तो 12 फ्रेम में कर सकते हैं। तो हम 12 फ्रेम में इसको सेव करेंगे और इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ से, और हम इसको डेस्कटॉप में वीडियो लिख देते हैं, वीडियो वेलकनो के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट हो रहा है, अब हमारा वीडियो सेव हो चुका है। हम उसको, ये हमारा वीडियो बन गया। अब हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करके देखते हैं हमारा एनिमेशन फाइल कैसी इसमें वो रन कर रही है। ये देखिए ये फाइल है फ्लॉप लावा। तो आपने देखा कि आप एक एनिमेशन, छोटा सा एनिमेशन इसमें कैसे बना सकते हैं और कैसे उसको सेव कर सकते हैं और उसको अपने ई कंटेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसमें बहुत अच्छे अच्छे कार्टून, इमेजेस, सीनरी कुछ भी बना सकते हैं।